हाय लर्नर्स, सेट्स रो एक्सरसाइज 2.0 क्वेश्चन नंबर 8 देखंतु। यस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे दिस इज 5 स्टार क्वेश्चन। एवरी अल्टरनेट ईयर आसे ही जाए नॉर्मली, ठीक अछि? तो भले ही प्रैक्टिस करिवे, लॉन्ग क्वेश्चन आस पारे। आंसर रे जीवा, क्वेश्चन देख कंफ्यूज हेबनी, बहुत इजी, ध्यान दियंतु। बस मु खाली कर दो, माने प्रोसीजर देखंतु, ठीक अछि? थरे प्रैक्टिस करिवे, ऑटोमेटिकली हिज जो जेंस, ठीक है। नाउ कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, एलएचएस नहीं ची, मतलब प्रूफ करिया जे कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तीन टा सेट नहीं आई, ठीक है? सेट ए, सेट बी, सेट सी, ठीक है? तीन टा जगह सेट का कार्डिनलिटी इक्वल टू, हमको प्रूफ करिया जे कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी कार्डिनलिटी माइनस बी इंटरसेक्शन सी कार्डिनलिटी माइनस सी इंटरसेक्शन ए कार्डिनलिटी, राइट? वेन्टा एक किसी दरकार ना, मुझे बुझापाई बस बनई तो रिक्वेस्ट कर सब जगह वेन्टा एगार बनातु, आप प्राक्टिस, राइट? तो स्टार्ट कर LHS दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, दैट इज कौन लिख पारे कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन ब्रैकेट स्टार्ट बी यूनियन सी लिख पारे, किसी प्रॉब्लम ना, राइट? दैट इम्प्लाइज मन कर बी नहीं नियंत, बी तो नवानी मन एक्स नहीं नियंत, चलो ठीक है, आपको मुझे एक्स सेट नहीं नहीं। तो ए यूनियन एक्स सेट कार्डिनलिटी फॉर्मूला कौन थिला, ए यूनियन बी कार्डिनलिटी फॉर्मूला कौन थिला, हमरो ए यूनियन बी रो कार्डिनलिटी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली आपको लिखिए दैट इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी यूनियन सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बुझ पारले? ये बी यूनियन सी को एक्स नहीं कि जदि आप जदि आप एक्स नहीं करिवे तो एमती ही आसीबो, ठीक अछि? एतिक जाय बुझि गेले जिंस। एबे देखंतु दैट इज द कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी यूनियन सी कौन हबो, ये पार्ट रो मु लिखछु, देखंतु कार्डिनलिटी कौन हबो, कार्डिनलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस ये पार्ट कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। आई होप समस्त को क्लियर अच्छे, ठीक अच्छे। नाउ अब ये टर्म को ध्यान देवे, नाउ आपण को बुक रे थ्योरी 1 रे जानतु सेठ गोटे प्रॉपर्टी अच्छी दैट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी सेट यूनियन ए इंटरसेक्शन सी सेट, एटा हमर गोटे प्रॉपर्टी अच्छे, आम थियोरम रे प्रूफ कर सकते, जदि करी ना देन ए बी सी सेट रैंडम नहीं कि आप प्रूफ कर पारते जिनस, ठीक अच्छे। तो ये सेट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कौन लिखे कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बुझंतु यूनियन सेट ए इंटरसेक्शन सी, मुझे लिखिपरि थियोरम हिसाब से देखु मैच करूँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को मुझे चेंज करी आरएचएस वैल्यू लिखदे, राइट? ये जिनस बुझीगले फर्स्ट, ये जिनस मन रखा पड़ो ये प्रॉपर्टी रे थ्योरम रो, बाकी मुझे सेमती लिखि दौरान कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी जमी लिखाई से लिख ओले माइनस कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। नाउ अगेन देखु ये दुटा सेट रो यूनियन करिया तार कार्डिनलिटी फॉर्मूला कौन, अगेन दिस फॉर्मूला आसो तो मार्क को खाली बाहर कर देख, ठीक है? ध्यान दे खाली आपको मुझे एक्सपांड कर आपको एड कर, ठीक अच्छे? दैट इज इक्वल टू यहाँ सेम रही जाए माइनस कौन हम आर कार्डिनलिटी ब्रैकेट स्टार्ट कर कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन
ए इंटरसेक्शन सी बुझ पार्छ देखु आपको ए आपको बी नियंतु कार्डिनालिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनालिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फॉर्मूला ये थिला ना आउट लिखन कार्डिनालिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनालिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनालिटी ऑफ बी सेट माइनस कार्डिनालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सेट राइट ये फॉर्मूला यूं पुट कर देखु नाउ ये गोटे इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट हो गला प्रूफ सरला ये गोटे इंपोर्टेंट जिनस देखु बहुत इंपोर्टेंट मीन डायग्राम ड्र कर इंपोर्टेंस देखु ए इंटरसेक्शन बी आम एरिया आसो ए इंटरसेक्शन बी देखु ए इंटरसेक्शन बी ए पूरा एरिया आसो राइट ए इंटरसेक्शन सी को एरिया आसो ये पूरा एरिया आसो राइट नाउ ये दुटा एरिया रे इंटरसेक्टिंग एरिया कौटा हो देखु रेड रे हाइलाइट करछि ध्यान देबे ये एरियाटा हो देखु ये दुटा ए इंटरसेक्शन बी आ ए इंटरसेक्शन सी रो एरियाटा जो रेड रे हाइलाइट करा हो पार कि यस एरिया को हम कौन कहूँ नॉर्मली ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी देखु ये टर्मटा आप आसगला ठीक अच्छे बुझीगले तो ये जगह रे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखिदेली आपड़ा अन्य गोटे स्टेप करी करेंगे किसी प्रॉब्लम ना नाउ इसे ब्रैकेट खोलिबा देखो आप आर एच एस आज दैट इज इक्वल टू कार्डिनालिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनालिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनालिटी ऑफ सी माइनस कार्डिनालिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस मल्टीप्लाई करूँ माइनस कार्डिनालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस मल्टीप्लाई कर चल ये सहित तो कौन माइनस अच्छी प्लस कार्डिनालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मुझे सजे दूँ चार एस एस हिसाब से दैट इज कार्डिनालिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनालिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनालिटी ऑफ सी प्लस यहाँ आगुरी आनीदेली कार्डिनालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनालिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनालिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए कन्फ्यूज होगी है क्योंकि आम कम्यूटेटिव पढ़ते ना ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए ठीक है से ए इंटरसेक्शन सी जगह सी इंटरसेक्शन ए लिखिदेली सिंपल दिस इज योर आर एच एस प्रूफ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एव्री अल्टरनेट इयर आसो मन रखु एव्री अल्टरनेट इयर आसे क्वेश्चन राइट सिंपल कौन कॉन्सेप्ट यूज होता कार्डिनालिटी फॉर्मूला यूज होता फर्स्ट जिनस सेकेंड आपण खाली ब्रैकेट स्टार्ट करके ए यूनियन बी फॉर्म रे आनले फर्स्ट बी यूनियन सी को फॉर्मूला एक्सपैंड है देन आपण गोटे थीअरम यूज है दैट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी ए फिर यूनियन रो फॉर्मूला आसला कार्डिनालिटी आपण एक्सपैंड कले देन दिस इंपोर्टेंट पार्ट जो आसला दैट इज ए इंटरसेक्शन बी रो और ए इंटरसेक्शन सी रो इंटरसेक्टिंग पार्ट कौन आसला हमरो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एटा एटा मन रखिबाटा ये थ्योरम मन रखिबाटा एंड दिस फॉर्मूला इज मोर देन इनफ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ठीक है तापर टिके सजे देबे तब सी इंटरसेक्शन ए जोड इंटरसेक्शन थी तो सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी लेखंतो किछ भूल नै राइट जेमति आर एच एस दिया हिजे सेमति पैटर्न रे सजे देबे बस तो आपनकर मार्क कटिबनी राइट आई होप आप बुझि गेले थैंक यू